लेकिन सारे संसार के विरोध में प्राप्त करने के बाद भी भगवान ने दीक्षा ली, लेकिन भगवान ने भिक्षा को ग्रहण नहीं किया। हम एक दिन नहीं रह सकते, एक घंटे नहीं रह सकते, एक मिनट भी बिना पानी के नहीं रह सकते। भगवान भुवनेश्वर बाहुबली ने एक साल दिवस बराबर चंदन स्वल्प चन्ना के महाराज जी चन्ना के माता 365 दिन निराहार रहे, ना पानी की एक बूंदी थी, ना अन्न की पूजा होती है, संयम की पूजा होती है। संसार में अगर हमारे लिए सम्मान प्राप्त होता है, अगर हमारे लिए पूजा को प्राप्त होते हैं, हमें भगवान बाहुबली के आदर्श के आप विचार कर सकते हैं। यही कर्नाटक प्रदेश में कितने बाहुबली भगवान के स्थान हैं, और एक कावेरी धाम के बाहुबली दो साल पहले ऐसी अवस्था में थे, जिन्होंने देखा जिन्होंने नहीं देखा। कर्नाटक के लोगों को ही मालूम, हमारे श्रवण मेघला के बाहुबली की आराधना होती है, और हमारे कावेरी धाम वाले बाहुबली भगवान के तरफ कोई देखने वाला नहीं। अरे सारे भगवान एक है, सारे बाहुबली एक है, फिर भी ये हमारी उपेक्षा थी। हम सब जगह जाते हैं, लेकिन हमारे लिए भगवान की कदर करते आना है कि हम एक दिन रुक गए, और जब एक दिन रुक गए हैं यहाँ से श्रवण मेलगुरा के ये बार बार विचार हो रहा था, कितनी सुंदर जगह है, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, इतना वातावरण अच्छा है। अगर भगवान उन्होंने कहा किसी भी जीव के लिए तकलीफ मत हो, अगर तुम्हारे लिए सुख चाहिए तो तुम हिंसा धर्म का पालन करो, अगर तुम्हारे लिए प्रगति चाहिए तो मित्रता का हाथ बढ़ाओ, सबके साथ प्रेम का हाथ बढ़ाओ। पर सर्प भी आ जाती थी वहाँ पर, अनेक जीव जंतु भी आ जाते थे, अनेक प्रकार के प्राणी भी आ जाते थे, क्योंकि भगवान सबके प्रति करुणा और मैत्री का अंदर से भाव लेके चलते थे, वात्सल्य का भाव लेके चलते थे। इसलिए भगवान जहाँ भी खड़े हो जाते थे उनकी भी उतनी श्रद्धा है, और जब यहाँ का जीर्णोद्धार हो रहा था तो समस्त अजैन बंधु ने भी बहुत सहयोग करके भगवान गोमटेश्वर के अपने प्रति ಚಂದ್ರಕಾ